फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओडिया कुकिंग विद यास्मीन में आप सबका वेलकम है। आज मेरे किचन में बनाएंगे, एक बनाएंगे चीज वाला पराठा और एक शुगर वाला पराठा जो चीनी से बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, आटा को गूंद लेते हैं। मैं आटे पे डालूंगी 2 टीस्पून सॉल्ट, फिर हम इस पे पानी पे, नॉर्मल पानी है ये, नॉर्मल पानी से ये मैं गूंद लेती हूँ, गूंद के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छी तरह से आटे को गूंद लिया है। ये व्हीट फ्लोर है फ्रेंड्स, ये मैदा नहीं है, व्हीट फ्लोर। व्हीट फ्लोर से ही बनाएंगे चीज वाला पराठा और चीनी वाला पराठा बनाएंगे। इसको मैं अच्छी तरह से गूंद लिया। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा लगा दूंगी घी, लगाकर इसको एक बर्तन पे ढककर हम रख देंगे। इसके ऊपर मैंने थोड़ा घी लगा लिया है। अब एक बर्तन से इसको कर लेंगे कवर। इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये 15 मिनट इस पे रेस्ट हो चुका है। अब इसका बना लेंगे, मीडियम साइज का गोला बना लेंगे। फिर इसको मैं बेल कर दिखाती हूँ। ये मैं बेल लिया है। मैं इस पे थोड़ा सा लगा दूंगी घी। अब घी, ऑयल, बटर कुछ भी ले सकते हैं। फिर इसके ऊपर ऐड कर लेंगे थोड़ा सा आटा, जो कि लगेगा नहीं एक दूसरे पे, ज़्यादा चिपकेगा नहीं, खुला खुला बनेगा। फिर इस पे ऐड कर लेंगे शुगर। फिर मैं इसको कर दूंगी ऐसे फोल्ड। फिर इस पे थोड़ा लगा देंगे घी, डाल देंगे थोड़ा सा आटा। फिर इसको कर लेंगे और एक बार ये फोल्ड। ये हो गया फ्रेंड्स। देखिए इसको आप हम लोग बेल लेते हैं। देखिए ये ट्रायंगल शेप वाला हमने बनाया था, तो ये रेडी है ऑलरेडी। मैंने चीनी वाला जो आटा था उसको हमने बेल लिया है। अब गैस के फ्लेम को करेंगे ऑन, इसको गर्म होने देते हैं, फिर दिखाते हैं। पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब इस पे डालेंगे हम जो पराठा बेले थे वो डाल देंगे। ये दूसरे साइड कुक हो चुका है, मैं पलट दूंगी। अब अनदर साइड हम लोग कुक कर लेंगे। गैस के फ्लेम को कर देंगे लो। अब दूसरा साइड जो है उसको भी पलट देंगे। अब यही स्टेज पे हम लोग ऐड करेंगे घी। अब घी ले सकते हैं, बटर ले सकते हैं, ऑयल ले सकते हैं, आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग जो चाहे आप ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स कितना ये लेयर वाइज कितना अच्छा खुल रहा है। देखिए लेयर वाइज भी खुल रहा है, बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत जल्दी बन जाता है। बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं। आप ज़रूर बनाकर अपने बच्चों को खिलाइए और मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें, पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें जैसे कि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। फ्रेंड्स ये बन चुका है। अब इसको निकाल देते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं प्लेट पे। हमें 2 पराठा बनाना था, एक तो हम चीनी वाला बना लिया है, अभी बनाएंगे चीज वाला बनाएंगे। तो मैंने एक गोला ले लिया है, अब मैं बेल कर दिखाती हूँ। ये हमने बेल लिया है। अब इस पे ऐड कर देंगे थोड़ा सा घी। घी ऐड कर लिया, फिर इस पे डाल देंगे थोड़ा सा आटा। फिर इसमें मैंने चीज़ लिया है, ये ऑलरेडी फ्रीज पे रखा हुआ था। अब इस पे ऐड कर लेंगे चीज़। इस पे हमने चीज़ ऐड कर लिया। अब इसको करेंगे फोल्ड, एक लेयर करेंगे ऐसे फोल्ड। इस पे करेंगे, ऑलरेडी यहाँ पे घी लगा हुआ है, लगा देंगे। फिर हम करेंगे इसको एक फोल्ड करेंगे, फिर ये फोल्ड करेंगे। अब इसको मैं बेल कर फिर दिखाती हूँ। ये हमने मैं चीज़ वाला पराठा बेल लिया है, स्क्वायर साइज में बेला है। अब गैस के फ्लेम को मैंने कर लिया है ऑन। अब इसको गर्म होने देते हैं। पैन हमारा हो चुका है गर्म। अब इस पर डाल देंगे चीज़ पराठा, इसको पलट देंगे। फ्लेम को थोड़ा लो कर दिया है, अब इसको पलट देंगे। इसी स्टेज पे हम ऐड करेंगे घी। देखिए ये झटपट बन जाता है, आप जरूर बनाइए, मेरे साथ शेयर कीजिए।
ये हमारा बन चुका है चीज पराठा। मैं आपको सर्व करके फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी बन गया है, परफेक्ट बना है। इस पे देखिए लेयर भी बन रहा है, देखिए लेयर खुल रहा है, बहुत ही अच्छा कुक हुआ है। आप जरूर घर पे बनाइए, फूला भी है। मैं इसको कट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये है चीनी वाला हमारा। देखिए ये कितना अच्छा लेयर में बना है। देखिए फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी बहुत ही अच्छा बना है। इसको भी, इसे भी देखिए फ्रेंड्स, ये भी देखिए इसके अंदर कितना लेयर वाइज चीज़ है। गर्म है अभी तो आप इसको ज़रूर बनाइए चीज़। ये बन गया हमारा क्विक सा इजी सा चीज़ पराठा एंड चीनी पराठा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय।